السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله اللهم صل على سيدنا अल्लाह ताला की मदद से नबी अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैजान से, के से और अल्लाह की वलायत के फैज़ान से इंशाल्लाह अखामत और मस्जिद के मसाइल के बारे में इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे अखामत का जवाब अखामत का जवाब देना मुस्तब है फ़ौला व फेलन दोनों तरह कौली ये है कि अखामत कहने वाले की जबान से जो अल्फाज सुने वो आप भी कहें कहें अलबतः खदी सलाह के जवाब में अखामल्ला वा महा कहे और फेली इस तरह के फ़ौर नमाज में शरीक हो जाए नमाज के सिवा और जगह अजा और अकामत पहला बच्चा पैदा होने पर इसके दायन कान में अजा और बाए बाएँ कान में अकामत कहना मुस्तहब है अगर कोई शख्स किसी रंज में मुबिला हो या मर्गी का मर्ज रखता हो या जल गया हो तो इसके कान में अजा कहना मुफीद होगा अगर मुसाफिर रास्ता भूल जाए और कोई बतलाने वाला ना हो या किसी मुकाम पर जिन वगैरह ज़ाहिर होते हों और लोगों को ईजा देते हों तो इन सूरतों में भी अजा कहना बेहतर है अजा और अकामत के मतफ़रक अहकाम फ़र्ज नमाज का बगैर अजा व अकामत के मस्जिद में पढ़ना मकरू है अजा होने के बाद बगैर नमाज पढ़े मस्जिद से चले जाना सख्त मकररू है अजा और अकामत में नियत शर्त नहीं अलबत्त सवाब है मौज़न का एक मस्जिद में अजा देकर नमाज पढ़ लेने के बाद फिर दूसरी मस्जिद में अजा देना मकरू है जो शख्स अजा कहे अखामत भी इसी का हक है हाँ इसकी इजाजत से या गैर मौजूदगी में दूसरा शख्स अकामत कह सकता है लेकिन मौजूदगी में खूस बहालत नाराज़गी दूसरे का अकामत कहना मकरू है ज़्यादा आवाज़ की जरूरत हो तो मुतद मौ, मौ, मौज़न अजा दे सकते हैं मौज़न का अजाँ व अकामत कहकर इमामत के लिए आगे बढ़ जाना जायज़ है अजा में छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना या छींक का जवाब देना जायज़ नहीं तंग वक्त में जबकि नमाज ही के लिए वक्त नाकाफी हो तो अजा तर्क की जा सकती है अगर मौजुन अजा कहने की हालत में बेहोश हो जाए या इसकी आवाज़ बंद हो जाए या भूल जाए और कोई याद दिलाने वाला ना हो तो इन तमाम सूरतों में अजा का लौटाना मसनून है अज़ँ व अखामत के माबन फसल ज़रूरी है मसलन अज़ाँ अव्वल वक्त में कही जाए और अखामत औसत वक्त में सिवाय मगरिब के कि इसमें तीन छोटी आयतों या एक बड़ी आयत की मकदार फसल करना चाहिए अखामत कहने के बाद अगर ज़्यादा अरसा गुजर जाए और जमत हायम ना हो तो मुक्रा अखामत कही जाए अगर थोड़ा और अगर थोड़ी सी देर हो तो ज़रूरत नहीं मस्जिद के अहकाम आदाब मस्जिद मस्जिद में जिन उमर जिन उमूर का लिहाज ज़रूरी है वो ये है मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहला पहले दायां पाँव रखें फिर निकलते वक्त बायां पाँव और दोनों वक्त दुरुद शरीफ पढ़ें मस्जिद की कोई जगह अपने लिए खास ना कर लें लोगों की गर्दनें ना फैलाएंगे मस्जिद में दुनिया की बातें ना करें मस्जिद में अशार ना पड़े मस्जिद के अंदर खाने पीने और सोने से एतराज़ करें अगर पैर में मिट्टी वगैरह लगी हो तो इसको मस्जिद की दीवार या सुतून से साफ ना करें लड़कों और दीवानों को मस्जिद में दाखिल ना होने दें मस्जिद में गुमशुदा चीज़ की तलाश ना करें मस्जिद की घास या कूड़ा कचरा वगैरह बेतज़ीम जगह ना फेंकें मस्जिद में उंगलियाँ चिटखा ना चिटखाएं वो अमूर जो मस्जिद में मकरू तहरीमी हैं मस्जिद का दरवाजा बंद करना मस्जिद की छत पर या मस्जिद की छत पर पाखाना या पेशाब या जिम करना मस्जिद के अंदर वज़ू या कुल्ली करना यानी कि नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद के अंदर या मस्जिद की दीवारों पर थूकना या नाक साफ करना मस्जिद में नजास्त और आलूदा जिसम से दाखिल होना मस्जिद में नजाजत भरे जूतों का साथ ले जाना मस्जिद में तलवार का नियाम से बाहर खींचना मस्जिद में लड़ाई या झगड़ा या शोर हुल करना मस्जिद में हंसी मजाक या लहू उ करना लहसन प्याज व बदबूदार चीज खाकर या इसी तरह बीड़ी वगैरह पीकर मस्जिद में दाखिल होना ये सब उमर मकर तहरीमी है मस्जिद में खैरात मांगने और देने की मजम्मत मस्जिद में किसी साइल को सवाल करना मस्जिद में किसी साइल को सवाल करना हराम है मस्जिद में ऐसे साइल को देना जो लोगों की गर्दनें फलांग फलांगता हो मकर तहरीमी है नशा पी कर मस्जिद में आने की ममानत नशे की चीज़ें इस्तेमाल करके कर मस्जिद में दाखिल होना मना है अगरचे नशा ना हो बल्कि ऐसे शख्स को मस्जिद से निकलवा देना दुरुस्त है मस्जिद में कश कशब व तजारत मस्जिद के अंदर खरीद व फरोख और किसी पेशा रह, पेशा वाराना को अपना पेशा करने की जायज़ नहीं की जायज़ नहीं हालत इतिक, इतिकाफ़ में ख़रीद फरोख जायज़ है बशर्त ये कि अशाए फरो मस्जिद में ना लाई जाए अगर कोई शख्स मस्जिद की हिफाजत के लिए मस्जिद में बैठ कर जमनन अपना कसब पेशा भी करता हो तो मजायका नहीं मस्जिद में नमाजे की जनाज मस्जिद में जनाजे की नमाज मस्जिद में जनाजे की नमाज ना पढ़नी चाहिए अलबतः अगर जनाजे की नमाज के लिए खास मस्जिदें ना हो या बारिश वगैरह का उज्र हो तो बजरूरत मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं मस्जिद में निकाह खानी मस्जिद के अंदर मस्जिद निकाह मंडली से निकाह का इनका करना और निकाह पढ़ाना मुस्तैब है मस्जिद के मुतफरक अहकाम मस्जिद को रास्ता करार देना जायज़ नहीं मस्जिद के दर व दीवार पर कुरान की सूरतें या आयतों वगैरह का लिखना बेहतर नहीं मस्जिद की दीवारों खसूसा महराब और खिबला रुख दीवार का नक्श व नगार कम हो या ज़्यादा मकरू है अलबत मस्जिद के सख़ब छत का नक्श व नगार अगर कम हो तो मजायका नहीं और ज़्यादा हो तो भी मकरू है मस्जिद के नक्श व नगार पर रुपया खर्च करने से फकरा को खैरा देना अफजल है मस्जिद में दीनी तलीम दी जा सकती है मस्जिद से कबूतर अबाबिल वगैरह के घोंसलों को निकाल कर फेंक देना जायज़ है अगरचे इन में अंडे बच्चे भी हों मस्जिद को गुबार और मकड़ी के जालों वगैरह से पाक और साफ रखना चाहिए मस्जिद को हर वक्त खुशबूदार रखना चाहिए मस्जिद की सफाई और हर तरह की खिदमत करना मौजूद सादत व हसनात है खुदा वंद जल्ला शाहाना मुसलमानों को ये सदत और तोफ़ी हसनात अता फ़रमाएँ इससे बढ़कर रोज़ाना पंच वक़्ता मस्जिद में हाजिरी और नमाज की पाबंदी पर क़ायम रखें कि नमाज ही असल में असूल सदत और उमुल हसनात है इनशा अगले इसमें हम